अब चाहे जो भी हो मैं तुमको नहीं बख्शूंगा। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं अब चाहे जो भी हो, यानी अच्छा हो या बुरा। तो इस सेंस में आप फ्रेज वर्ड फॉर बेटर एंड फॉर वर्स का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। अब चाहे जो भी हो, यानी चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो मैं तय कर लिया। फॉर बेटर एंड फॉर वर्स आई डिसाइडेड। अब चाहे जो भी हो मैं उससे शादी करूंगा। यहाँ पर अब चाहे जो भी हो, यानी अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे रब रूठे या माता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फॉर बेटर एंड फॉर वर्स आई विल मैरी हर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आई के साथ सेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप अपने बात पर जोर देते हैं, यानी आपको ये कहना हो कि मैं ऐसा जरूर करूंगा, मैं ऐसा अवश्य करूंगा, तो आप सेल के जगह पर विल और विल के जगह पर सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसा कि हम जानते हैं आईवी के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे जो भी हो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फॉर बेटर एंड फॉर वर्स आई विल नॉट एक्सक्यूज यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर बेटर एंड फॉर वर्स का इस्तेमाल समझ में आया कि जब कभी भी आपको कहना हो अब चाहे जो भी हो, यानी अच्छा हो या बुरा, फॉर बेटर एंड फॉर वर्स का इस्तेमाल करेंगे।